चलिए सबसे पहले जो वैदिक ग्रिड बनती है, जैसे आपने पाइथागोरस ग्रिड सॉरी लोशू ग्रिड मैंने सिखाई थी आप सभी को, और ये जो हमने लोशू का पूरा कोर्स किया था 8 से 10 दिन का कोर्स था, मुझे उम्मीद है वैसे आप सभी ने लाइव अटेंड किया होगा, लेकिन वहां पर आपको सारे वीडियो नहीं मिले थे। ओके, और उस टाइम आप में से कुछ लोगों ने अटेंड भी ना किया है, कुछ क्लासेस मिस हो गई। तो ये जो 8 से 10 क्लासेस है ये आपके LMS सिस्टम पर, जैसे आप अपने वीडियो देखते हैं वहीं पर आपको ये लोशू 1 से लेकर 10 8 जितने भी वीडियो हैं सीक्वेंस से आपको वहीं मिल जाएंगे। तो वो भी साथ साथ आप देखते रहिए, उसकी जो क्वेरी होंगी वो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज से हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी शुरू है, वैदिक ग्रिड। तो जिस तरह हम लोशू में एक ग्रिड बनाते हैं, इस तरह वैदिक में भी एक ग्रिड बनता है। तो जो लोशू का ग्रिड है वो आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 2 होता है, 4, 9, 2, 3, 5, 7 और 8, 1, 6, ये है लोशू ग्रिड। लेकिन वैदिक ग्रिड कुछ अलग किस्म से बनता है, वो बनता है आपका 3, 1, 9, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 6, 7, 5 और 2, 8, 4, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 5, 8, 1, 4, ये इस तरह से वैदिक ग्रिड बनता है आपका। ठीक है, अब इसमें तरीका क्या है पहले बनाने का, पहले इस बनाना सीख लेते हैं। तो जो लोशू है, लोशू में क्या है, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये हमारा लोशू ग्रेड है, ये 1 है सॉरी। और वैदिक वैदिक ग्रेड कैसे बनता है, वैदिक ग्रेड आपका 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8 और 4। ठीक है, अब कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ लिखो जरा अपनी, कोई एक लिख दो। कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, 19/3/1983, 19/3/1983। अब अगर मुझे लोशू ग्रिड बनानी है तो आप सभी को पता है कैसे बनती है, लोशू ग्रिड में इसको कैसे बनाते थे हम, इससे डेट ऑफ बर्थ के जितने भी नंबर है उन नंबर को यहाँ प्लेस कर दीजिए। जैसे 1 नंबर है पहला, सबसे पहला 1 नंबर कहाँ प्लेस होता है, यहाँ पर, तो यहाँ नीचे 1 नंबर लिखा, फिर है 9 नंबर, 9 नंबर ऊपर लिखा जाता है, ये ना 9 नंबर, जैसे पहले 1 नंबर है फिर 9 नंबर है, फिर है 3, 3 नंबर कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर, तो 3 नंबर आपने यहाँ लिखा, फिर आगे फिर 1, 9 है, फिर आपने 1 यहाँ लिखा, 9 यहां पर ऊपर लिखा, फिर है बाद में 8 एंड 3, तो 8 यहां पर आया और 3 को आपने एक बार और लिख दिया। तो ये होता है आपका लोशू ग्रिड, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है उसका ये लोशू ग्रिड है। ये जो लोशू है ये स्पेसिमन है, ये वैदिक स्पेसिमन है। ठीक है, तो
अपने स्पेसिमल लोशू से अपना पर्सनल लोशू कैसे बनाएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के, तो जितने भी आपके पास डिजिट है हम लोशू में डालते थे, तो ये लो बन गया आपका लोशू ग्रिड। लेकिन वैदिक ग्रिड में कैसे बनाएंगे, वैदिक ग्रिड में ऊपर जो नंबर लिखे हैं उस हिसाब से बनेगा। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी है कि सेंचुरी को हम यूज नहीं करते हैं, यानी कि जो 19 है इसको हम यूज नहीं करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर सेंचुरी को यूज नहीं किया जाता। मान लिया कोई 2000 का बच्चा है, ठीक है, तो 2000 में 2 एंड 0, 0 तो वैसे कहीं प्लेस नहीं होता, वहां पर 2 को यूज नहीं करेंगे। तो सेंचुरी को आपने वैदिक ग्रेड के अंदर नहीं डालना है, ठीक है, ये बातें याद रखना। ये फर्क है मेन लोशूर में और वैदिक में, और नंबर तो अलग अलग ही है। अब जैसे मान लिया यही डेट ऑफ बर्थ को वैदिक ग्रेड बनानी है तो कैसे बनेगा, पहले 1 बनेगा तो 1 यहां डाल दिया, फिर है 9, 9 यहां पर डाला, फिर आगे 3, 3 कहां पर है, ये रहा, तो 3 यहां पर डाल दिया, ठीक है। तो ये ग्रिड बनी है, ठीक। अब यहां पर मैं आपको ग्रिड में 51 कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम सीखेंगे, 51 कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैं, हम यहां से जर्नी स्टार्ट करेंगे हम अपनी। उन 51 कॉम्बिनेशन के जो रूल्स हैं, मतलब अगर ऐसा है तो क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, वो हम डिकोड कर रहे हैं। जिस तरह ज्योतिष में होता है, जैसे ज्योतिष में इतने सारे प्लैनेट हैं, वो प्लैनेट आपस में मिलकर बहुत सारे योग बनाते हैं, अच्छे और बुरे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे मान ली जुपिटर और राहु इकट्ठे बैठ गए तो क्या हुआ, गुरु चंडाल योग बन गया। सैटर्न और मून इकट्ठे बैठ गए तो क्या बना, आपका विष योग बन गया आपका। इस तरह से मान लीजिए आपका जुपिटर के साथ चंद्रमा बैठ गया साथ में तो गज केसरी योग बन गया, वो एक अच्छा योग बन गया आपका। तो इस तरह से कुंडली में जिस तरह प्लैनेट साथ बैठकर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के स्क्वायर में आकर, स्क्वायर में कैसे आते हैं बताऊंगा, और एक दूसरे के ट्रायंगल में आते हैं, तो एक योग का निर्माण करते हैं, है ना, योग का। जैसे लक्ष्मी योग बनता है तो ट्राइन में प्लैनेट आते हैं तब लक्ष्मी, जैसे 159 इसको लक्ष्मी स्थान बोला गया, ट्राइन 159, ठीक है, तो वो लक्ष्मी स्थान बन गया। तो इसी तरह से यहां पर हम 51 कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसमें से कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन है और कुछ रूटीन वाले कॉम्बिनेशन, तो यहां पर हम सीखेंगे। जैसे अब इस ग्रिड की बात करें तो यहां पर 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे। पहला कॉम्बिनेशन है 1 एंड 3 इकट्ठा आ गया, दूसरा कॉम्बिनेशन है 1 एंड 9 इकट्ठा आ गया, इसको बोलते हैं कंजक्शन, अभी सीखेंगे हम सारा। और तीसरा है कि एक पूरी रो भरी हुई है, 3, 1, 9 पूरी रो भरी हुई, तो यहां पर 3 योगों का निर्माण हुआ। इसी तरह से आप में बहुत सारे योग बन सकते हैं आपके, अब उन्हीं योगों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने ग्रिड बना ली, अब ग्रिड बनाकर सिर्फ आपने, इसलिए मैं पहले करा रहा हूं ये ताकि क्योंकि याद करने वाली चीजें, इसमें कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, दिमाग जिसने लगाना था लगा चुके ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष के ही कॉम्बिनेशन यहां मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जिस तरह से यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बना, यहां पर एक कॉम्बिनेशन बना 1 3, 1 3 का मतलब है 1 इज सन, 3 इज जुपिटर। तो जिस तरह से ज्योतिष के अंदर कुंडली में जुपिटर एंड सूर्य इकट्ठे बैठ जाते हैं, वहां पर जो रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर वैदिक ग्रेड में हम लगभग उन्हीं रिजल्ट्स को आपको बता रहे हैं। तो जैसे आपका कुंडली के अंदर सन एंड मार्स, 9 नंबर इज मार्स, सूर्य और मार्स जिस तरह इकट्ठे बैठ जाते हैं कुंडली में एक अच्छे योग का निर्माण करते हैं, तो यहां पर भी हम ये बताने वाले हैं कि 1 एंड 9 कंजक्शन हो गया तो अब ये क्या रिजल्ट बनेगा। और इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल प्लेन, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन, ये मेंटल प्लेन और ये आपका फिजिकल प्लेन, तो 3, 1, 9 का इकट्ठे हो जाना ये भी एक योग बना रहा है। अब इसके क्या रिजल्ट आएंगे, है ना, यहां पर क्या हुआ, बृहस्पति सूर्य और मंगल तीनों एक लाइन में आ गए, अब इनके क्या रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वैदिक ग्रिड आपको बनानी आ गई है। इसमें मैं फिर बता रहा हूं सेंचुरी को यूज नहीं करना, 1800 है, 1900 है, 2000 है, शुरुआत के 2 अक्षरों को यूज नहीं करना, ठीक है। और ये फर्क है लोशू में, इसमें लोशू ग्रिड इसके हिसाब से देखकर बनती है, और वैदिक ग्रिड इसको ध्यान में रखकर हम अपनी वैदिक ग्रिड को बनाएं। अब कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सबसे पहले है नंबर कंजंक्शन, कंजंक्शन
कंजंक्शन, कोई भी दो नंबर साथ साथ होंगे तो वो कंजंक्शन में कहलाते हैं, कंजंक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1 एंड 3 है, 1 एंड 9 जैसे अभी दिखाया था मैंने, तो कंजंक्शन में बन गई। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है हॉस्टाइल, अपोजिट, एक नंबर दूसरे के अपोजिट होता है। तो जैसे 1 नंबर यहां है, 8 नंबर यहां है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना एक दूसरे में। हाँ जी, तो ये 1 एंड 8 इस तरह से अपोजिट, यहां पर कोई नंबर होगा अपोजिट, यहां पर कोई नंबर होगा अपोजिट, ये सारे पढ़ेंगे हम आगे। तो यहां पर एक एक एग्जांपल दिखाया गया है। अपोजिट का मतलब है आमने सामने, तो ये 1 एंड 8 आमने सामने हो गए, तो ये इसको बोलते हैं हॉस्टाइल या अपोजिट नंबर। यहां से कुछ योग बनते हैं और अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं वो। फिर है स्क्वेयर में, स्क्वेयर एस्पेक्ट। तो स्क्वेयर एस्पेक्ट कैसे है कि एक नंबर से दूसरा नंबर वहां से 4 खाने छोड़कर है, जैसे यहां पर है 1 2 3 4, चौथे खाने में एक नंबर, तो ये स्क्वेयर एस्पेक्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वेयर 1, स्क्वेयर एस्पेक्ट, यहां से कुछ योग बनेंगे। फिर है ट्राइंगुलर रिलेशन, जो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा था, अब इनको मिला दीजिए आप, 1 2 4 को इनको मिला देंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल बन जाएगा ना। तो कोई भी इस तरह का ट्राइंगल बनता है तो ये ट्राइंगल रिलेशन में आता है। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो उसके अपने योग आज हैं, उसके अच्छे बुरे जो भी आएंगे अब सीखेंगे कि किन नंबर्स के साथ वो ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ऐसा नहीं ट्राइंगल बन गया तो शुभ ही आएगा, ट्राइंगल नुकसान भी कर सकता है, वो ट्राइंगल किन नंबर के साथ मिलकर बना है। फिर है हाइपोटेनस या डायगनल रिलेशन बोल सकते हैं। डायगनल मतलब कोई भी एक रो पूरी हो जाना, जैसे ये रो पूरी होगी, जैसे ये रो पूरी होगी, और जैसे अभी एग्जाम्पल में ये रो पूरी होगी, तो एक ही डायगनल में सारे आ जाना, तो ये पांचवा कॉम्बिनेशन होता है। तो 5 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं और कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो टोटल मिला के 51 कॉम्बिनेशन बैठते हैं। अब इन 51 कॉम्बिनेशन को या तो ज्योतिष पढ़ेंगे तब आप और अच्छे पकड़ पाएंगे, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसे किसी को ज्योतिष नहीं आता। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का मतलब यही है कि मैं आपको ज्योतिष नंबर्स फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये मतलब है। ओके, और पढ़ा भी ले रहा हूं कि आपकी एक इच्छा ना रह जाए दिल की, यार पता नहीं वैदिक ना पढ़ा पढ़ लिया तो पता नहीं क्या कर लेते हैं। एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी तो वही है जो मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन यहां से भी बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। किसके बारे में प्रिडिक्शन करनी है, यहाँ पर रेमेडी भी मैं आपको दिखा देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे कम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। दशा पैटर्न यहाँ पर सीखेंगे हम आगे जाकर कि कैसे, जैसे कुंडली में दशा चलती है, यहाँ पर नंबर्स की दशा चलती है, तो ये सब पैटर्न फिक्स है, मतलब इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। जो ऋषियों ने लिख दिया, मुझे पता है कम्बिनेशन का रिजल्ट ऋषि ने ये बोला है, जब जब ये दशाएं चलती हैं तो इस प्लैनेट में इस प्लैनेट की दशा क्या देती है, तो वही मैं चीज सिखाने वाला हूँ, और इनको सिर्फ याद रखना है आपने और करते करते याद रखना। ठीक है, तो पहला कम्बिनेशन था 1 एंड 3, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था तो उसमें बना हुआ था। तो नंबर कंजक्शन क्या होता है, व्हेन टू नंबर्स अपियर इन एडजर्निंग वर्गास, ठीक है, इन द नंबर कम्बिनेशन चार्ट, सच ए कम्बिनेशन इज कॉल्ड द नंबर कंजक्शन। इसको टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं नंबर की कंजंक्शन हो जाना। तो एडजेसेंट में जो भी नंबर आएगा वो क्या योग बना रहा है, कंजंक्शन वाला योग बना रहा है। देयर आर सच 12 कंजक्शन, तो इस तरह के 12 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल 12 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस तरह के। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने बनाया 1 एंड 3 से, तो जैसा भी एग्जाम्पल में हमारा जो एग्जाम्पल लिया था उसमें बना हुआ 1 एंड 3, तो यहाँ पर क्या बना है, सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन गया था। अब ये सूर्य जुपिटर जब साथ साथ होते हैं तो क्या दे सकते हैं आपको, हायर एजुकेशन। ये किसी बच्चे का, जब आपने देखना है कि बच्चा हायर एजुकेशन अच्छे करेगा नहीं करेगा, पेरेंट्स पूछने आते हैं ना, तो ये एडिशनल टूल है आपके पास, नो डाउट बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये माने कोई आ गया, आप कभी कभी ऐसा होता है प्योर न्यूमरोलॉजी से आप नहीं पकड़ पाते चीजों को, लेकिन अगर आपने ये वैदिक ग्रेड बनाया, यहां पर देखा ये कम्बिनेशन बनाया, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वो बच्चा अच्छी एजुकेशन करेगा। तो ये किसका था, ऐसे नाम लिखे प्लीज चैट बॉक्स में या हैंड रेज कर लो, जिसने अभी ये एग्जाम्पल दिया था मुझे अपना, जो मैंने वैदिक ग्रेड बनाई थी, अमनप्रीत। ओके ठीक है, अमनप्रीत जी अनम्यूट करो आप अपने आप को। यस सर, हाँ जी, तो ये हायर जो एजुकेशन कॉम्बिनेशन है पहली बात तो। ठीक है, यस सर, तो अपनी आपकी एजुकेशन हम यहां से पता लगा सकते हैं कि अच्छी होगी।
सर मैंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस करी, मैंने एमसीए भी करी, और मैं 2014 से पढ़ती 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 अभी भी पढ़ ही रही हूँ। बहुत बढ़िया, आगे ना हायर एजुकेशन, फिर रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन, इन लोगों की रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन में था। ये रेपुटेटेड रेपुटेड लोग हैं, ये ऐसा नहीं है राह चलते लोग, ये इनकी एक रेपुटेशन है समाज में, सोसाइटी में, अपने सेक्टर में ये मुकाम हासिल करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट होती है बोले। ओके यस हाँ जी बताइए। यस सर बिल्कुल। हमारी अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, और मतलब बैंक वाले, मैं बैंक में जाती हूँ सब खड़े हो जाते हैं कि अरे अरे सुखबीर सर आइए। रेपुटेशन, ये योग आपको रेपुटेशन दिलाता है, रिस्पेक्ट दिलाता है। टू अचीव सक्सेस ओन इज ओन, इन लोगों को जो भी सक्सेस मिलती है अपने बलबूते मिलती है, इनका कोई माँ बाप नहीं है, इनको कोई ऐसा नहीं कि अपलिफ्ट कर लेगा, ये अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करती है। बताइए मनप्रीत। यस सर बिल्कुल ठीक है, तो आपने अपनी मेहनत से ही मुकाम हासिल किया है। फादर एंड सन सन लिव टुगेदर, मतलब अब यहां पर सन का मतलब सन नहीं है, चाइल्ड आ गया पहली बात, और लिव टुगेदर का मतलब है कि दूर रहकर भी पास होना, जैसे होता है ना बच्चा घर रहकर भी पेरेंट्स से बनती नहीं है, तो यहां पर एक मतलब ये नहीं है कि एक ही छत के नीचे दो पेरेंट्स और वो बच्चे रह रहे, मतलब ऐसा बच्चा अपने फादर से कभी अलग नहीं हो सकता, हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। यस सर ठीक है, कम्बिनेशन फॉर ए लीडर डॉक्टर और जज, मतलब एक ऐसी सीट इनको मिलती है जो बहुत रिस्पेक्टेड सीट होती है, और वो लीडर भी हो सकता है एंड डॉक्टर हो सकता है, जज हो सकता है, मतलब इस तरह की जहां पर उनको उनकी उनकी कोई सुनता है, उनके नीचे लोग काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो तीन शब्द लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही बन सकते हैं, मतलब किसी फील्ड में जाते हैं इनको एक स्टेटस मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक कुर्सी की पावर मिलती है। और कॉम्बिनेशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई भी ऑकल्ट साइंस जिसका भी 1 इन 3 का कॉम्बिनेशन है, एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी आप कोई भी ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छे से सीख सकते हो, और इन लोगों का कहना कि इंटरेस्ट भी होता है। यस ठीक है, सर। अपनी सोसाइटी की लीडर ही हूँ मैं, मतलब टॉवर 9 की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। देख लो। वो मतलब सब सारी मीटिंग्स में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। बहुत बढ़िया, तो अब देखिए मतलब कोई बच्चा हमारे पास आया है इस कमीशन लेके, हमने 4-5 चीज वैसी बता दी, तो कहीं ना कहीं बंदा इंप्रेस हो गया, या वैसे ही पेरेंट्स पूछने आते हैं कि बच्चा हमारा क्या बन सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, तो हम बोले भाई अच्छी जॉब में जाएगा बच्चा तो। ठीक है, इसको जॉब कराना और एक रिस्पेक्टेड हाईली अप्रिशिएटेड जॉब इस बच्चे को मिलने वाली है। कुछ लोग आप पूछने आ सकते हैं कि यार मेरे बच्चे के साथ मेरे रिलेशन कैसे रहेंगे, तो अगर ये कंपटीशन बनता है तो हम कह सकते हैं यस बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बेशक आपसे दूर चला जाए, क्योंकि आजकल का माहौल आपको पता ही है कि कोई पढ़ने दूर जा रहा है, कोई कमाने दूर जा रहा है, लेकिन वो आपके दिल के करीब रहेगा और वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह की चीजें हम बता सकते हैं, ये कंपटीशन आपको ये सारी चीज देता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सन एंड मार्स, अब ये एक और कॉम्बिनेशन ये भी बना हुआ था इनकी कुंडली में 1 एंड 9 का, ये भी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इनकी मतलब दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन को दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इनको बोल सकते हैं कि ऐसा बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा जाएगा, जैसे इन्होंने बताया 2014 से पढ़ ही रही है, कुछ ना कुछ कर ही रही है, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ते, पढ़ाई के पीछे पागल होते हैं या पढ़ाई को हमेशा एंड तक लेके जाते हैं। डिपार्टमेंटल हेड, मतलब ये मुखिया किसी भी, जैसे सोसाइटी है तो वहां के मुखिया बन सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वहां पर भी इनको एक मुखिया, मतलब एक डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे वहां के हेड कहलाएंगे, या हेड जैसी रिस्पेक्ट मिलेगी। कई बार होता है ना बच्चा अभी लगा है तो अभी तो लगते को ना हेड बन जाएगा, लेकिन हेड जरूर बनेगा। इंडिपेंडेंट वर्किंग, मतलब इनकी जो वर्किंग रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहती है, ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई हावी रहे या इनके ऊपर कोई रूल करे, इंडिपेंडेंट वर्किंग की सबसे अच्छी रहती है। कंबिनेशन फॉर ए लीडर सर्जन और इंजीनियर, है ना, अब इंजीनियर का मतलब टेक्निकल, यहाँ पर जो इंजीनियर का मतलब है, सर्जन का मतलब है टेक्निकल फील्ड, तो ऐसे बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, जैसे इन्होंने बच्चे ने बताया अभी कि ये मतलब इन्होंने जो जो, जो पढ़ाई की वो टेक्निकल पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये टेक्निकल पढ़ाई में जाते हैं लोग, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन है। तो भाई अब जिसकी कुंडली में, जिसके वैदिक ग्रिड में दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए, तो बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा ही जाएगा, कहने वाली बात नहीं है, पढ़ाई में अच्छा होगा ही होगा, है ना, जॉब में अच्छा करेगा ही करेगा, और इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करेगा। अब एक बात हो सकती है जरूरी, वो जॉब ही करे, जैसे यहां पर लिखा है कि इंडिपेंडेंट वर्किंग, तो अगर ऐसा बच्चा तुम्हारे पास आता है, बच्चा है या बड़ा है कोई, वो कहता है मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, मैं अकेला काम करूं,
तो इस कम्बिनेशन के साथ हमेशा अकेला काम करना चाहिए। नो डाउट मैं आपको पाइथागोरस सिस्टम भी बताऊंगा कि आप कोवर्किंग के लिए क्या कम्बिनेशन होते हैं, और इंडिपेंडेंट अगर आपने काम करना है तो कौन से कम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद है जो तीसरे नंबर का योग, क्योंकि 12 योग बनते हैं ये, तीसरे नंबर का जो योग है दैट इज जुपिटर एंड वीनस कंजक्शन। आप 3 नंबर इज जुपिटर, 6 नंबर इज वीनस, तो ये भी साथ साथ में एडजस्टमेंट में है, तो एक योग बन गया यहाँ पर भी। तो जिसका भी ये योग होगा ये भी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों गुरु हैं ये, तो भी हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन करता है बच्चे को, रिलीजियस। अब 3 और 6 का कंबिनेशन अगर आपका है, यानी कि जुपिटर एंड वीनस का कंबिनेशन आपका है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहते हो, या रिलीजियस पर्सनैलिटी आपकी, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर लेते हैं। फ्रेमर ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, तो मतलब ये इस तरह के लोग हैं जो जो पॉलिसीज बनाते हैं, है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, इस तरह के लोग जो बैकएंड पे काम करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं दूसरों के लिए, मतलब कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जिसको बाकी सारे लोग फॉलो करते हैं, तो इस तरह की चीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आफ्टर मैरिज फादर एंड सन डू नॉट लिव टुगेदर, तो यहां पर बोला गया है कि आफ्टर मैरिज मतलब शादी के बाद ये प्रोबेबिलिटी रहती है कम्बिनेशन की कि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जा सकते हैं, अब जरूरी कि चले ही जाए, मतलब ये जाने की प्रोबेबिलिटी, एक योग ऐसा बनाता है कि शादी के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स से किसी भी कारण से अलग होना पड़ सकता है, चाहे वो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड से उनकी ना बने, या वो लाइक ना करें, या आप ठीक है आपकी कई बार मैरिड लाइफ ऐसी होती है कि आप नहीं दखल अंदाजी चाहते तो उस वजह से अलग हो जाए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रहती है। राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, अब इनके लिए क्या एक हमने प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई आपकी जो तरक्की होगी, आपका जो भाग्य चमकेगा वो आपकी शादी के बाद चमकेगा, ठीक है। किसी का आया क्या भाई 3 और 6 का कॉम्बिनेशन? किसी का आया तो हैंड रेज कर सकता है 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, अगर किसी ने बना लिया अपना तो। हाँ जी नूपुर जी, जय श्री कृष्ण सर। हाँ नूपुर बोलो। सर हायर एजुकेशन इज ट्रू बिकॉज मैं MBA भी हूँ और CA भी हूँ एंड आई एम वेरी रिलीजियस वेरी मच लाइक टू और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मतलब ठीक है बट ये हायर एजुकेशन वाला एक्चुअली जो आपने मेरे को अभी तक 3 कराए हैं तीनों हाँ में डेट में है तीनों आपकी ग्रेड में है, तो सोचो मतलब आप तो पीछे नहीं छोड़ सकते एजुकेशन का, इस तरह की सर। चीजें। मतलब मैंने 2014 में आई गॉट मैरिड उसके पहले मैंने पढ़ाई पढ़ाई करी है और काम करा है एंड उसके बाद मैंने काम किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर अब आई लेफ्ट मतलब अपना फ्रीलांसिंग कर रही थी अब मैंने सोचा कुछ और पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। फिर बेसिकली आप प्रेमर है, मतलब आप है ना पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है, जैसे होते ना पॉलिसी मेकर्स होते हाँ हैं जी ना, बहुत हाँ जी बहुत नॉट नॉट ए इजी टास्क, ये कोई इजी टास्क नहीं है पॉलिसी बनाना कोई भी। तो हाँ जी जैसे कोई कमेटी का गठन किया जाता है कि भाई आप लुक आफ्टर करेंगे, जैसे आपको पता होगा अभी वन नेशन वन वोट है ना, इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो आई भाई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लीडर ओनली मतलब हमेशा हर चीज में लाइक हाँ मेरी करना है तो जैसे अभी चल रहा है कि भाई वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, अब हाँ उसमें जी कुछ कमेटी में लोग डालेंगे, वो पॉलिसीज बनाएंगे, वो देखेंगे इफेक्टमेंट सारा, तो यस ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, पॉलिसीज बनाना, उसकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं लोग, हाँ जी ठीक है। तो इसमें है फिर फादर के साथ या पेरेंट के साथ, अब आप मतलब इकट्ठे, चलो आप तो फीमेल हैं, लेकिन अगर ये मेल का भी होता है तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से वो डिटैच जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो हाँ दूर रहना पड़ जाए कैसे भी डिटैच हो जाते हैं। और हाँ दूसरा है राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, तो ये भी देखने में आया कि इनकी जो डेस्टिनी है जो एक्टिवेट होती है बेसिकली, वो शादी के बाद ही एक्टिवेट होती है। जी लग्जरी बहुत ज्यादा मतलब पहले भी थी ऐसा नहीं है बट एक होता है ना कि आपके पार्टनर को लग्जरियस लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो लाइफ मिल जाती है हाँ वो एक है चलो अच्छी बात है, फिर अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू तो वैसे भी देखिए 3 और 6 अगर दूसरे एंगल से भी आप देखेंगे हाँ जी तो दो गुरु हैं ये समझिए सारे आप, तो हाँ जी कहते हैं ना कि एक गुरु का साथ मिल जाए तो बहुत है, यहाँ पर दो दो गुरु मिल रहे हैं आपको, और हाँ दोनों जी ही गुरु हैं, गुरु मतलब एक स्पिरिचुअल में है एक मटेरियल लाइफ में है, दोनों या के पास वो क्रिएटिविटी है, वो आर्ट है,
है ना, किसी भी चीज को सॉल्व करने का, इसलिए इनको बोला गया है प्लानर, है ना, ये फ्रेमर है, प्लानर है, बहुत अच्छे, हाँ जी, तो बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग है, एंजॉय करो। थैंक यू सर। स्मिता, स्मिता जी भी हमारे साथ हैं। यस स्मिता जी, सर बहुत क्लासिक नहीं है मेरा, बट मेरा क्या है, 23rd अगस्त 66, तो इसमें 66 दो बार लिखा जाएगा ना ग्रेट में, हाँ डबल बिल्कुल बार, लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा दैट इज जाएगा। व्हाई प्रोबेबली नॉट दैट क्लासिक, इट्स पार्शियल, दैट इज हायर एजुकेशन तो है ही, रिलीजियस, यस आई एम वेरी रिलीजियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी स्पिरिचुअल रादर देन कर्मकांड, हाँ आई एम अ फ्रेमर ऑफ रूल्स, बट आई एम अ फॉलोअर ऑफ रूल्स मच मोर देन दैट, दोनों ही हो सकते हैं एंड ना। देखिए गुरु वाइस क्या फ्रेमर, होता आई है, गुरु, वॉन्ट टू कम इन द फोर फ्रंट बेसिकली, मतलब यस आई विल बी डूइंग इट बट एंड स्टिकिंग टू द रूल्स, ये है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या 66 होने के कारण मैं बहुत परफेक्ट इससे नहीं मैच कर रही शायद, इज इट हाँ हो दो सकता बार है, छह हो से, सकता है, लेकिन साहब ये समझिए जैसे आपने रूल्स फॉलो करने का बताया, यस, क्योंकि 3 और 6 दोनों गुरु हैं, अच्छा सर, ये समाज, समाज का आईना है, मतलब ये किसी कम्युनिटी को, समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यही रूल फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा क्या यस करेगा, हाँ ठीक है, दैट्स वेरी ट्रू, तो ये मतलब बनाने वाले भी बिलीव हैं और फॉलो करने वाले भी फर्मली लोग होते हैं, ये कानून इतनी आसानी से नहीं तोड़ते, दोनों फर्मली, ही बात यस है। बिलीव फर्मली इन अपने आप भी, या ये बात तो है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बिलीव, एंड अब जैसे राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, नो नॉट दैट मच, वट एवर इट इज बिकॉज ऑफ नॉट, आई वुड से रादर देन दैट इट हैज बिकम स्टेगनेंट, तो मुझे यही पूछना था 66 के कारण क्या उतना क्लासिक नहीं अभी है, और भी योग बन सकते हैं ना, जरूरी ना कि एक ही योग, ये तो एक एक योग देना, जब हम सारा ओके निचोड़ जी निकालेंगे तब पता लगेगा। जी 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 सर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर मैरिज, यस आई एम, मतलब अगर तटस्थ रह सकती हूँ, अगर मैं जहाँ जहाँ रहना हो आई कैन डिसोशिएट विद माय इमीडिएट पेरेंट्स, दैट्स आल्सो ट्रू, ठीक ठीक, थैंक यू सर, ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये योग बनता है, तीसरा योग। फोर्थ योग है सन एंड मून। अब मून को यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए यहां पर दो तरह के सिस्टम चलते हैं, मैंने दोनों ही यहां पर लिख दिए, यहां पर राहु एंड केतु को राहु एंड केतु एज इट इज नहीं बोला जाता, ठीक है, यहां पर राहु को सन के रूप में देखा जाता है और केतु को मून के रूप में देखा जाता है, ठीक, तो इसलिए मैंने लिख दिया, भाई चाहे कोई बुक पढ़े आप या कहीं सुने तो आपको ऐसा ना लगे कि ऐसा नहीं होता, है ना, दो सिस्टम है लेकिन आप दोनों को अपना सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखा सन एंड मून कम्बिनेशन, तो सन एंड मून का मतलब है केतु की बात कर रहे हैं यहां पर, तो कंजंक्शन आई, अब अपने अपने दिमाग में बनाओ कि साथ कहां पर होता है, यहां पर क्या बना सन एंड मून, मून का मतलब है केतु, तो यहां पर इसको ब्रैकेट में केतु लिख दिया मैंने, या कहीं और देखेंगे तो वहां माइनस मून लिखा होता है, माइनस मून का मतलब है केतु, ठीक है, तो यहां पर 7 नंबर माइनस मून लिखा हुआ है, यहां पर राहु केतु वैदिक में नहीं लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, कुछ ने लिया हुआ है, तो मैंने दोनों सिस्टम रख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर तीसरा कम्बिनेशन, चौथा कम्बिनेशन क्या बना, 1 और 7 का कम्बिनेशन बना, तो 1 और 7 का कम्बिनेशन क्या देता है आपकी जिंदगी में, कम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, और 1 और 7 का कम्बिनेशन बनता है, तो एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी ये बोलता है कि कम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है या गवर्नमेंट जैसी जो कंपनीज होती हैं, है ना, तो उसमें जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन यूथ इटसेल्फ, मतलब लॉस ऑफ गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं कि नौकरी चली जाती है, ये लोग जॉब बहुत जल्दी चेंज करते हैं और वो भी अपनी अर्ली स्टेज में, जॉब बहुत छूटती है इनकी या छोड़ देते हैं, इस तरह की चेंजेस अर्ली स्टेज में इनके जो अपनी वर्किंग एरिया है वहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। लैक ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, अब जो डोमेस्टिक लाइफ है इनकी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, मतलब वो इतने हैप्पी फील नहीं करते जितना होना चाहिए, होता है ना, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ चल रही है आपकी, या बहुत अच्छी डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छी है, और ये डोमेस्टिक लाइफ का मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से ही है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ठीक होगी तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ मतलब परिवार, बच्चे, पेरेंट्स सबके साथ खुशियां होंगी, अगर अपने पार्टनर से नहीं बनती होगी ना, तो ना बच्चों से उतने अच्छे रिलेशन बनेंगे ना पेरेंट्स से, वो खच 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 भी रहती है,
तो यहाँ पर लैक ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, तो डोमेस्टिक लाइफ में, मैरिड लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, चाहे वो बच्चों के साथ है, स्पाउस के साथ है, एज ए होल आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में लैकिंग होती है, कहीं ना कहीं वो कमी है इनकी लाइफ। ड्यूल मैरिटल रिलेशन, अब देखिए शास्त्र लिखा है तो उन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम लिख देते हैं, वैसे नहीं सब में बनेंगे। तो ड्यूल मैरिटल रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल का भी एक कॉम्बिनेशन है ये। अब हम ये नहीं कह रहे कि होगा ही, है ना, तो एक एक योग का निर्माण हुआ है। अब उसके लिए अब योग फुलफिल होगा नहीं होगा, अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो ज्योतिष में हम कुंडली देख सकते हैं, अगर आप पाइथागोरस पढ़ेंगे तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। कभी कभी चीज ना एज इट डिकोड नहीं होती है, जब आप पाइथागोरस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे अगर बच्चों के पास या किसी एक इंसान के पास उसके मेजर अंक में लव एंड अफेक्शन, लव एंड रिलेशन से रिलेटेड ज्यादा नंबर है और उसका ये भी कम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यस ये बच्चा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल में इन्वॉल्व होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये एक तरह से राजयोग भी है। राजयोग क्या है? जॉब से रिलेटेड राजयोग है। राजयोग तो कई किस्म का होता है ना, तो यहां पर जॉब से रिलेटेड राजयोग है। ये लोग खाली नहीं बैठते, इनकी कहीं ना कहीं जॉब चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन जॉब लगती रहती है। और कहीं ना कहीं एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर पब्लिक सेक्टर की जो क्लास वन कंपनीज हैं, है ना, जिनको ब्लू चिप कंपनी माना जाता है, वहां पर ये जॉब करते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं। शुरुआत में इनकी स्ट्रगल स्ट्रगल बोल लीजिए, लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, डोमेस्टिक हैप्पीनेस थोड़ी सी लैक करते हैं लाइफ में, और कहीं ना कहीं ड्यूल रिलेशनशिप या इस तरह की चीजों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं। यस, किसी का बनता है क्या ये योग? एनीवन? वन इन सेवन? नुपुर, अनीता, अनीता जी से पूछते हैं, चलो नुपुर आपका तो लेता हूं आपको भी। यस अनीता जी, हाँ सर, मेरा बनता है, 11 भी है और 77 भी ठीक है, सेंट्रल है। गवर्नमेंट जॉब तो है सर, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। हाँ गवर्नमेंट जॉब है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यहां से छोटी चीज से हमने पकड़ लिया है ना। अब दूसरा और ये थोड़ा तीन नंबर तीसरे नंबर पे जो है वो थोड़ा रोशनी डाले इससे, है है सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। ना, है। हाँ देखिए क्या क्या होता है, कभी आप ओपनली नहीं बोलना चाहते तो देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन सीखने के हिसाब से हम जितना फेयर रखेंगे अपनी चीजों के, हमें सब फैमिली की तरह है, कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है, जब हम रहते हैं एक परिवार में तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है किसी, ठीक है। तो आप जो योग है तो है, नहीं है तो कोई बात, तो रहता है थोड़ा सा, मतलब वन इन सेवन आएंगे तो थोड़ा सा डोमेस्टिक हैप्पीनेस में थोड़ी सी इफ एंड बट रहेंगे, या स्ट्रगल करना पड़ेगा, या वो हैप्पीनेस चाहने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये मतलब है, ठीक यस है। सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, और किस किस का बन रहा है? अरे कई सारे लोग, तरुण जी कई सारे लोगों का बन रहा है, गुड। जी हाँ जी, सर, 7-11 है तो 7-1 हुआ ना। हाँ 7-1 हो गया सर, बिल्कुल हो गया, 7 और 1 दोनों आ गए। ठीक नुपुर, हाँ जी सर, हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, हाँ काम किया है पहले भी लेकिन सब प्राइवेट सेक्टर में। एंड डोमेस्टिक हैप्पीनेस यस, नॉट रिलेटेड विद माय हस्बैंड, आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी विद हिम, बट यस व्हेन इट कम्स टू यू नो इन लॉज वी हैव अ हाँ फाइट, मतलब कहीं भी लगा लो उसको, बिल्कुल ठीक बात है, ये मतलब रहेगा फिर तो ये अच्छा है ना, योग वहीं कट गया। तो ये वाला हाइलाइटेड पॉइंट है कि बिकॉज ऑफ दिस आल्सो वी आर यू नो अब हम मूव आउट करने के लिए सोच भी रहे हैं। इट्स बीन 9 ईयर्स एंड आई एम मैरिड, अब हम मूव आउट करने की सोच रहे हैं इस वजह से। तो ये एक हाइलाइटेड पॉइंट है इसका। चलो एंड ठीक मैरिटल रिलेशंस आर फाइन। ठीक ठीक राजू सर पता नहीं कब नहीं नहीं देखेंगे। राजू का मतलब ये कि जॉब से रिलेटेड राजू मिलता रहेगा, हाँ ये है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, आई डोंट सिट आइडल। अभी भी मैं आई हैव अ 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर, तो आई थॉट नहीं अब कुछ पढ़ना है तो लेट गेट इन टू दिस। तो वर्षा आंटी आपकी जो फ्रेंड है वर्षा गांधी, उन्होंने ही मुझे आपका नाम सजेस्ट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने उनसे बात करके उनको बताया कि थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दे दिया एंड इतने अच्छे सर दे दिए कि आई विल बी वेरी यू नो थैंकफुल टू यू थ्रू आउट माई लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ जी चलो ठीक है। थैंक अब यू स्टार्टिंग में आपने जॉब भी मतलब चेंजेस ज्यादा किए क्या आपने? जी सर। जॉब तो मतलब बिकॉज मैं चार्टेड, मतलब मैं ऐसे फील्ड में थी कि मतलब बार बार ट्रेनिंग भी 2-3 बार चेंज करी है, 2-3 बार काम, 2-3 ऑफिसेस चेंज कर लिए थे मैंने शादी के हाँ पहले। हाँ होता है, कहीं
ये कम्युनिकेशन आपको अर्ली स्टेजेस में चेंजेस कराता है, ठीक हाँ जी, है। या चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सोनल जी, सोनल जी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेंगे क्वेश्चन सब। नेक्स्ट है मार्स एंड मरकरी कॉम्बिनेशन। मार्स एंड मरकरी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मार्स इज नंबर 9 एंड मरकरी इज नंबर 5, तो जिसका 9 एंड 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो हमारे एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन, पांचवा कॉम्बिनेशन है 9 एंड 5 का। तो जिसका भी 9 एंड 5 का कॉम्बिनेशन बनता होगा, मार्स एंड मरकरी कॉम्बिनेशन, मार्स इज नंबर 9, मरकरी इज नंबर 5। शार्प माइंड, चपल बुद्धि, लॉजिकल माइंड, शार्प माइंड, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी एक हायर एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां पर फील्ड एक टेक्निकल फील्ड आ सकती है। गुड बिजनेसमैन, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, और ज्यादातर इनका रुझान कहीं ना बिजनेस की तरफ ज्यादा जाता है। आउटस्पोकन, मतलब इनको कहीं भी खड़ा कर दो, ठीक है, जितना नहीं बोलना उससे ज्यादा बोल जाएंगे, ठीक है, तो आउटस्पोकन लोग हैं ये। और ये भी कहना कि प्रोफेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, तो इनकी जो लाइफ है, मतलब कहना कि प्रोफेशनल लाइफ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोई भी काम करते हैं टेक्निकल फील्ड में ज्यादा जाते हैं। तुम्हारे बीच में कोई है क्या भाई? इस कॉम्बिनेशन के साथ वही हैंड रेज रखे बस। सोनल आपका है क्या? 9 5? हाँ जी सर, 9 5 मेरे पापा का था जो अभी नहीं रहे हैं, अच्छा उनका सेम जो भी आपने बताया अभी, ही वॉज वेरी शार्प माइंड। इनका एजुकेशन तो नहीं हुआ था इतना, कोई बात नहीं। लेकिन गुड कभी कभी क्या होता है ना बिजनेसमैन। कि ये हाँ तो फिर टेक्निकल जरूर रहे होंगे, मतलब इनका जो माइंड है वो टेक्निकल माइंड वाले लोग होते हैं। हाँ हाँ जी, गुड बिजनेसमैन थे वो, आउटस्पोकन थे, और मतलब जो बात उनकी वजह बोलनी है से, बोल ली है, बिंदास, डरना नहीं है किसी हाँ, से, कभी नहीं डरते थे, और और मुंह पे उनकी बोलते हैं वजह ये से लोग। हमारा पूरा फैमिली जो आज जहाँ पे खड़े हैं सब लोग, वो उनकी वजह से खड़े हैं। तो दैट इज माय पापा। मेरा बेटा भी जो है वो 9 5 है, बड़ा वाला, तो उसका भी 9 9 और 5, बट ही इज इन द टेक्निकल फील्ड, और वो भी उसी के जैसे, वही वही उनके जो आते हैं ना हायर एजुकेशन, हाँ ही ऑल्सो हैज अ वेरी शार्प माइंड, और वो भी तुरंत बोल देता है जो बोलना है, बोलना है, अपनी बात रख हाँ देता है। बिल्कुल, मतलब ये लोग ऐसे नहीं पीछे बुराई करेंगे, जो बोलना मुंह पे बोलने वाले लोग हैं, माय सीधा मामा ऑल्सो सामने। इज द सेम, अच्छा सॉरी, मेरे घर में सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे, तो चलो अच्छी बात है। मम्मी के भी सेम है, ओनली शी डिडंट गो फॉर एनी हायर एजुकेशन, उन्होंने 11वीं करी हुई है। और जो 1 और 7 का था, तो मेरा खुद का 1 एंड 7 है। हाँ, आई डू फेस अ मैरिटल दे जो डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस इज देयर, माई हजबेंड इज अ साइकेट्रिक पेशेंट, तो ओके दैट इज द रीजन 1। एंड मुझे बताया गया था कि राजयोगा है, अभी वो पता नहीं क्या है। ठीक है। सो एंड आई हैड लॉट ऑफ काम, तो मैंने अलग अलग बहुत किया है। राइट नाउ आई एम इन अ कल्ट जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, और मेरा छोटा बेटा भी उसी में है, 1 7 में। ही इज राइट नाउ इन मैकडोनल्ड्स, ओके सो ही जो इसमें है ना कि गुड अपॉर्चुनिटी एंड जॉब, बट जैसे बच्चों का कुछ होता है कि समवे ही इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैमिली इशूज, डोमेस्टिक हैप्पीनेस तो उसको भी नहीं है। ये कम्बिनेशन रहता है बिल्कुल, हाँ, ये रहेगा, तो ठीक है। इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशंस हो रहे थे। तो ऐसे लेट मी टेल यू, थैंक चल यू चल सर, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, चल, धन्यवाद बहुत जी। बहुत। थैंक यू। ठीक है चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मरकरी केतु कंजक्शन। मरकरी केतु का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप देखेंगे, अब हमारा जो कॉम्बिनेशन मरकरी एंड केतु, यहां पर 5 नंबर और केतु मतलब 7 नंबर,
तो 5 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मरकरी केतु कॉम्बिनेशन, तो ये छठा कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। मरकरी केतु कॉम्बिनेशन क्या कहता है, गुड राइटर, ये राइटर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, गुड स्पीकर एंड स्पोक्समैन, ये गुड स्पीकर है, स्पोक्स पर्सन है ये, वर्क रिलेटेड टू फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च। अब मतलब आप एक शब्द में कह सकते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं ये, रिसर्च ओरिएंटेड। अब रिसर्च किसी भी हो सकती है, ईश्वर को पाना है तो स्पिरिचुअलिज्म में जा सकते हैं, वैसे किसी फील्ड में होते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी अपने आप में रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ऐसी फील्ड में इन्वॉल्वमेंट इनकी रहती है जहां पर कुछ ना कुछ रिसर्च करना है। बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं ये, पब्लिक रिलेटेड जॉब, जो इनकी जॉब होगी या कोई भी इनका काम होगा वो पब्लिक के बीच में जाकर होगा, मतलब पब्लिक के लिए या पब्लिक के बीच में जाकर ये काम करते हैं। एक तो होता है ना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं आप, है ना, जहां पर आम पब्लिक का कोई लेने देना नहीं आपको, लेकिन इनकी जो जॉब प्रोफाइल या वर्किंग एरिया जो रह सकता है वो कहना कि लोगों से, लोगों के बीच में रहकर काम करना। गुड रिलेशन विद फीमेल, तो ऐसे लोगों का अगर किसी मेल का बनता है तो उनके फीमेल से रिलेशन अच्छे रहते हैं, इनके जो मतलब बॉन्डिंग जो बनती है वो ज्यादातर फीमेल से बहुत अच्छी बनती है। ठीक, तो है क्या किसी का भाई, मरकरी एंड केतु 5 और 7 का कम्बिनेशन किसी का है, सर वो ही हैंड रेज करें प्लीज, 5 और 7 वाले। हाँ जी सोनल बोलिए, और याद रखें यहां पर आपने अपना जो सेंचुरी का नंबर है वो नहीं लेना, कभी कभी गलती से आप लोग ले लेते हैं, है ना, सर वो मैं नहीं लेना। 1999 है तो लास्ट के 2 9 लेने हाँ हैं ना लास्ट के, सर। लास्ट के तो आएंगे आएंगे बिल्कुल। ओके 5 एंड 7 मेरे बेटे का है, ही इज इन टेक्निकल फील्ड जो आपको बताया था, रिसर्च ओरिएंटेड है। हाँ अच्छा इसमें जो है गुड रिलेशन, ही इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू माय मम्मी, तो अब फीमेल का मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो फैमिली सकता मेंबर है है, ना। हाँ और ही आप इज देखिए वेरी ना वेरी उस बच्चे से पूछना उसका हाँ आउटर वर्ल्ड में भी ना जो कंफर्ट वो फीमेल से के साथ रहकर एक फील करता होगा ना, कंफर्ट जोन रहता है ना बच्चों हाँ का, हाँ तो वो उनसे पूछना कि फीमेल फ्रेंड ज्यादा होंगी या वो कंफर्ट फील करता ओके होगा फीमेल के साथ। ओके क्योंकि आप पूछ के देखिए जरा। हाँ ही वाज वेरी क्लोज टू माय मम्मी ड्यूरिंग द टाइम, पापा का जब हुआ ना तो काफी लोग भी बताते थे कि ये मम्मी को एक, अभी भी मम्मी को 1 मिनट नहीं छोड़ता है, मुझे चाहे छोड़ देगा लेकिन उसको नहीं छोड़ेगा। दैट इज, ठीक दिस है, इज द अफेक्शन, दिस इज हाँ तो करेक्ट। ये रहता है, मतलब ये इनका कंफर्ट जोन है वो, ये हाँ मतलब जी इनके साथ कंफर्ट फील करते हैं ये मतलब है। हाँ हाँ जी चलिए ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट है केतु वीनस कॉम्बिनेशन। केतु वीनस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, केतु वीनस कॉम्बिनेशन यानी कि 6 एंड 7, 6 इज वीनस 7 इज केतु, अगर 6 एंड 7 का योग आपकी कुंडली बनता है तो हम बोल सकते हैं केतु वीनस का कम्बिनेशन आपकी वैदिक ग्रिड में बना है। तो ये क्या मतलब है, लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, है ना, इनका जो रुझान है ना वो कहना कि म्यूजिक आर्ट, मतलब जितनी भी आर्टिस्टिक चीजें हैं या वो एक दिल से चीजें होती हैं जो उनमें इनका रुझान ज्यादा रहता है, मोर देन लव अफेयर, तो 1 लव अफेयर से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी इनकी रहती है, ऐसा नहीं कि है तो होगा ही लेकिन रहती है, मतलब अगर ये कमीशन बनता है तो कहीं ना कहीं लव अफेयर में ये बच्चे बहुत इजीली चले जा सकते हैं, और इनके एक से ज्यादा रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, जैसे कि एक टूट गया तो ये दोबारा बना लेते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं ये जो कमीशन सीक्रेट रिलेशनशिप का भी है, तो ऐसे बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जिसका बना हुआ है कि बच्चों से खुलकर बातें करें, क्या होता है ना बच्चा जो भी चीज छुपा कर कहता है वो गलत में जाती है, बच्चा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है कोई बात नहीं, या कोई कहते हैं ना लव है या एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो बता के करेगा तो, लेकिन क्या है ये इनकी जो नेचर है ना वो सीक्रेसी रहती है, अब इस कारण से ज्यादातर ये चीजें छुपाते हैं या सीक्रेट अपने आप को रखते हैं, तो ये सीक्रेट रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, मतलब सीक्रेट मतलब सीक्रेट, ये चीजों को छुपाना, छुपा कर रखना इनकी एक आदत होती है। तो ये कम्बिनेशन इस तरह का। नेक्स्ट है वीनस मून कंजक्शन। ओके, अब वीनस मून कंजक्शन कैसे बनेगा आपका, वीनस और मून 6 एंड 2, जिसका भी 2 एंड 6 बनता है, तो ये बन गया आपका वीनस एंड मून कॉम्बिनेशन। तो वीनस मून कॉम्बिनेशन क्या देगा आपको,
वीनस मून कंजंक्शन, डिस्टरबेंस इन एजुकेशन, इन लोगों की जो एजुकेशन है उसमें ब्रेक आ जाना या किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आ जाना, कोई एग्जाम छूट गया, किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, होता है ना कभी घर परिवार में कुछ ऐसी चीज हो जाती है, या कभी लाइफ में एजुकेशन में ब्रेक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसका भी 6 and 2 का कम्बिनेशन है। फैमिली डिस्टरबेंस, यस इनके भी जो फैमिली डिस्टरबेंस होने की प्रोबेबिलिटी इनके साथ भी रहती है, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। चांसेस ऑफ डायबिटीज एंड ज्वाइंट पेन, तो कहीं ना कहीं डायबिटीज और ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है ना, या इनको बोल सकते हैं हम वात रोग, इनको ज्यादा होते हैं इन जनरल। और ये भी कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप का कम्बिनेशन एक बनता है, लेकिन सिर्फ एक इसी को कहकर हम नहीं बोल सकते मल्टीपल कम्बिनेशन है ना, लेकिन ये कुछ योग हैं जिसको आप पकड़ सकते हो स्टार्टिंग में, कि किन बच्चों के कौन बच्चा इन सब चीजों में जा सकता है, या आप इनको मल्टीपल रिलेशन ना बोल के आप ये कह सकते हैं कि इनका जो रुझान है इनका, इनका रुझान होता है लव प्यार मोहब्बत में, इनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, आप ये बोल सकते हैं, ये एक हेल्दी कहते हैं ना एक शब्द है, तो इस तरह की चीजें इनमें होती है। नेक्स्ट है मून सैटर्न कंजंक्शन, मून और सैटर्न, यहां पर क्या हुआ 2 and 8 का कम्बिनेशन जिसका भी है, डिसअपॉइंटेड एंड होपलेसनेस, तो मतलब मून सैटर्न साथ आ गए। अब देखिए मून क्या हमारा मन है और शनि महाराज क्या है, शनि महाराज एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो मैलेफिक प्लैनेट का इंपैक्ट हमारे माइंड पर आना, या दूसरा आप दूसरे शब्दों में ज्योतिष की भाषा में समझाता हूं आपको, मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, मून सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट है, और सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट है, तो दोनों साथ आ गए तो दोनों की क्या एनर्जी मैच नहीं खा रही ना, एक सबसे तेज चल रहा है सबसे फास्ट स्लो चल रहा है, तो दोनों की मैचिंग ही नहीं है कोई, और दोनों साथ आ जाना ठीक है, तो एक शुभ प्लैनेट होना एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट होना, तो कहना कि क्या देते हैं दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर आपको डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस, तो ज्यादातर चीजों में मन का ना लगना ठीक है, डिसअपॉइंटेड ज्यादा होना लाइफ में, जैसे हम वाले 10 efforts करते हैं तो 7 हमारे फेल जा सकते हैं, 3 में सक्सेस मिलती है, तो डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में आती है, और कहना कि बहुत जल्दी कभी कभी हम होप छोड़ देते हैं, इस तरह की नेचर बिहेवियर सामने वाले का हो सकता है। फैमिली डिस्टर्बेंस भी लिखी है इसमें, क्योंकि जब मन ही अशांत होगा तो मन के अशांत होने से, या लाइफ में जब डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, हम इतने एफर्ट्स करते हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते या उससे कम रिजल्ट मिलते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फैमिली में डिस्टर्बेंस है, वैसे कोई कम्बिनेशन फैमिली डिस्टर्बेंस का नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक तो कम्बिनेशन है ना फैमिली डिस्टर्ब रहने का, जो ऊपर कम्बिनेशन बताया गया वो कम्बिनेशन है फैमिली डिस्टर्बेंस के, है ना, ये कम्बिनेशन है आपके डिसअपॉइंटमेंट का, आपके ज्यादातर चीजें मिस फायर हो जाने का है ना, आप वक्त वक्त पर एक कहते हैं ना नेगेटिव माइंडेड पर्सन पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी होप छोड़ सकते हैं, अब उस वजह से क्या होता है आप जितना एफर्ट करते हैं उतना रिजल्ट नहीं आपको मिलता, तो क्या होता है उससे, उससे यह होता है आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, या आपका मन नहीं लगना, वो जो कहते हैं ना वो जो चीजें घर कर गई हैं वो घर फैमिली पे वो निकालते हो फिर आप आकर, तो उस वजह से फैमिली डिस्टर्बेंस है। फिकल माइंडेड, ये फिकल माइंडेड लोग हैं, मतलब इनका मन स्थिर नहीं रहता, ये मतलब कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, कभी ये कर लूं वो कर लूं, मतलब एक टिक, इनका मन शांत नहीं है, ये मन टिकता नहीं है, मन बहुत चंचल है इनका, और बैड हैबिट्स, तो इसी कारण से इनको कुछ बुरी आदतें भी लग सकती है ना, अब बुरी आदतें ड्रिंक की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, बैड फूड हैबिट्स हो सकती है ना, इस तरह की चीजें में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। किसी का लास्ट वाला बनता है कि मून एंड सैटर्न, प्लीज जिसका मून एंड सैटर्न का बनने वो एंडेज कीजिए सिर्फ। तरुण जी सर, तो जैसे 7-11 अभी है तो 7 + 2 हो गया ना, 7 और 2। नहीं, अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया क्या, यहां मैंने सिर्फ बताया थे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है वो एज इट इज ग्रिड में लिखने हैं आपने, उनको कोई माइनस प्लस नहीं करना। प्लस नहीं करना कुछ भी। ठीक है, अमनप्रीत, यस सर। सर मेरे हस्बैंड का है ये 20th मार्च 80, अच्छा तो ठीक है, टू 2 मिनट ट्वेंटी आ गया। कंपनी, हाँ जी, तो मतलब कहीं ना वैसे कहीं होपलेस बिल्कुल भी होपलेस तो नहीं है, मतलब अच्छा अपनी हिम्मत मेहनत से ही ये यहाँ तक पहुंचे हैं चलो आज, बहुत इतनी बढ़िया। मतलब कंपनी चली हुई है। बैड हैबिट्स में हाँ ये है, ड्रिंक करते हैं, और फिकल माइंडेड भी है,
फैमिली डिस्टरबेंस भी है, बस वाह यार, होपलेस नहीं है। चलो ठीक है, मतलब कोई देखिए होपलेस का कम्बिनेशन तो है ही, लेकिन कोई कोई एक सपोर्ट किसी और जगह से मिल रही है ना, या तो कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होगा, या न्यूमरोलॉजी के अंदर जब हम पाइथागोरस पढ़ेंगे तो उनके पास वन नंबर मल्टीपल टाइम्स होंगे, ठीक है, वो पाइथागोरस के हिसाब से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां से वो चीजें डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस नहीं है। या कुंडली का थर्ड हाउस या कुंडली का लगन बहुत स्ट्रोंग होगा इनका, क्योंकि तो कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है दैट इज योर एफर्ट्स, अगर वहां वो शुभ है और वहां पर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये लोग निराशावादी नहीं होते, ये हमेशा नीचे गिरते हैं और जंप मारकर ऊपर उठते हैं, ये कभी निराशा इनको घेरती नहीं है, ठीक है। तो एक चीज है ना, बड़ी सारे कम्बिनेशन हम ज्योतिष से भी निकाल सकते हैं सब चीज। चलिए ठीक है, ठीक गुड। लास्ट दो कॉम्बिनेशन हमारे पास, मरकरी एंड राहु। मरकरी राहु का मतलब क्या हुआ, फाइव एंड फोर का कॉम्बिनेशन। ओके, तो मरकरी राहु कंजक्शन कैसे बनेगा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट वाइज एंड क्लेवर, ये चतुर इंसान है ना, अपना काम किसी भी तरह से निकाल लेना इनको बहुत आसानी से आता है, कोई काम आपका नहीं बन रहा हो इनको साथ ले जाओ, ये तिगड़म भिरा देंगे, मतलब इनके पास कहते ना वो कहावत है साम दाम दंड भेद, इनको चारों नीति आती है ना, ये अपना काम कैसे भी किसी से भी किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं, इतनी इंटेलिजेंस वाइज एंड क्लेवर है, चतुर है। अब इनके साथ होता क्या, रेगुलर चांसेस ऑफ लॉसेस, मतलब ये रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं लाइफ में, और इसी कारण से लॉसेस के चांसेस इनकी जिंदगी में बने रहते हैं, हर वक्त ये कहते ना एज पर खड़े ही मिलेंगे आपको, कुछ भी हो सकता है भाई, सिक्का है ना इधर भी गिर सकता है इधर भी गिर सकता है, तो ऐसा नहीं है कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये रिस्क लेने से डरते भी नहीं है लोग। प्रॉब्लम विद गवर्नमेंट, सरकार से इनको पेनल्टीज ज्यादा पड़ सकती हैं, या एक होता है ना कि भाई 10 जनों ने रेड लाइट जंप की तो ये जरूर पकड़े में जाएंगे, है ना, चोरी सभी करते हैं, टैक्स चोरी या इस तरह की चीजें, है ना, सब थोड़ा बहुत जो जो भी मैनुपुलेशन कैलकुलेशन होती है सब करते हैं, लेकिन इनके ये पकड़ में जल्दी आ जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट की नजरें इन पे ज्यादा रहती है, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ये बिजनेस करते हैं तो इनके यहाँ रेट ज्यादा पड़ती होंगी, इनको मतलब पूछा ज्यादा जाता होगा, इंक्वायरी ज्यादा होती होंगी इनकी, इस तरह की चीजें। वीक नर्वस सिस्टम एंड आई साइट, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है नर्वस सिस्टम, और इनकी आई साइट में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बंधन योगा, अब ये कहीं ना कहीं बंधन योग योग है, अब बंधन का मतलब ये नहीं होता किसी इंसान ने बांध लेना, ये अपनी आदतों से बंधे हुए हैं, अपने रिचुअल से बने बंधे हुए हैं, अपने दिमाग से बंधे हुए हैं, दूसरों की सुनना ही नहीं, जो करना है अपने मन की करना है ना, तो ये है, या हमेशा ये कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप पाएंगे, मतलब फंसे हुए पाएंगे किसी ना किसी सिचुएशन में, अब एक होता है ना जिंदगी अच्छी चल रही है लेकिन ये हमेशा कहीं ना कहीं अटके मिलेंगे, कभी फाइनेंस में अटके, कभी कभी कोई लिटिगेशन में अटके, कभी किसी से झगड़ा बिना मतलब का मोल ले लिया, है ना, अपने आप चीजें आ जाती है इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये हर वक्त अपने आप को बंधन में ही पाएंगे, कभी ऐसा नहीं कि भाई आज रिलैक्स हूं मैं, ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसे हुए रहते हैं, चाहे इनका मतलब है या नहीं, चाहे अपना कुछ नहीं है तो दूसरे के उसमें फंसे रहते हैं कि भाई चल मैं तेरी प्रॉब्लम हल करता हूँ, खुद ही उसमें फंसे हुए नजर आए, तो इस तरह का यही हो। हाँ जी, है क्या किसी का फाइव एंड फोर का कॉम्बिनेशन, किसी को जानते हो, किसी का नहीं है, अच्छा चलो निकाल के लाना, किसी का मिल जाएगा, देखना वो क्लेवर होगा, दीपा कटारिया जी ने हैंडल किया, यस दीपा, सर, 1 + 4 = 14 को भी 5 ऐड करेंगे नहीं क्या नहीं ग्रिड नहीं में? नहीं मैडम यहाँ पर कोई ऐड नहीं करना, यहाँ पर एज इट इज नंबर लिखने हैं, सर वैसे अगर वो ऐड करें तो भी वो काफी बातें मैच हो रही है कि नहीं वो अलग बात है, वो हो रही होंगी लेकिन हमें ऐसे जबरदस्ती नहीं करना, ये कॉम्बिनेशन जो लिखे हैं वो ही पढ़ेंगे, जबरदस्ती नहीं बनाने, ठीक है। चलो अलका जी, सर मेरी बेटी का है 25 अप्रैल 1991 बना क्या? नहीं 94 तो कहीं नहीं आया ना, आया नहीं ना, अप्रैल हुआ ना 4। अच्छा अप्रैल हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर मतलब सही में बहुत वाइज है वो, हमेशा टॉपर रही हुई है और स्कूल में भी टॉपर रही हुई है, और बहुत इंटेलिजेंटली कैप्टन भी थी, तो बहुत सॉफ्ट से भी वो कैप्टनशिप कर चुकी है।
अच्छा ठीक है, मतलब शाउट बिना किए हुए, तो उसका मतलब उसके बोली को सबको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत मीठी बोली है एंड हाँ वेरी इंटेलिजेंटली शी मतलब टैकल्स एवरीथिंग एंड हाँ शी इज वेरी गुड इन काउंसलिंग एंड शी इज रनिंग फाउंडर ऑफ ओवर अ कप ऑफ टी एंड हैज बिकम वेरी फेमस एंड वेरी वाह, शॉर्ट टाइम. सो मतलब शी इज द टॉपर. उसके कुंडली में भी देखिए ये जुपिटर इज कमीशन एग्जॉल्टेड है लगन में, तो वो सारी चीज मतलब है, राहु उसको रूल करता है, दशा भी चल रही है. अब इन तो बच्चों को करना क्या है, इन बच्चों को सिर्फ ये ध्यान देना चाहिए इन बच्चों पर। देखिए ये वो कम्बिनेशन है कि इस कम्बिनेशन से आप अब्दुल कलाम भी बन सकते हो और इसी कम्बिनेशन से आप ओसामा बिन लादेन भी बन सकते हो। चपल बुद्धि है ना, बुद्धि तेज चलने वाली बुद्धि है। अब तेज चलने वाली बुद्धि अगर राइट डायरेक्शन में लग गई तो एक अच्छा रिजल्ट निकाल लेंगे, जैसे बच्ची आपकी निकाल दी है, ठीक है। और ये इसी चपल बुद्धि से, आजकल क्राइम भी चपल बुद्धि से होते हैं, मतलब इंटेलिजेंस से होते हैं। तो ये नेगेटिव साइड में जाएंगे वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। तो इन बच्चों पे खास फोकस देने की जरूरत है। जब हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो यही सारी चीज देखते हैं। और जिनमें बच्चों में कमीशन बन रहे होते हैं तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं, भाई बच्चों से फ्रेंडली एनवायरमेंट रखना है और टाइम टाइम इनकी ना काउंसलिंग करानी है, इनको फोकस करना है इनकी लाइफ पर कि बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। क्योंकि ये कम्बिनेशन बच्चे को, माइंड है ना, शार्प माइंड है, कैलकुलेटिव माइंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो गलत भी तो लग सकता है। ये गलत लग गया तो ट्विन टावर गिरा देगा किसी की, अमेरिका में जाके दोबारा। और यही अगर सही जगह लग गया तो मिसाइल बन जाएगी इससे। तो दोनों के लिए दिमाग चाहिए ना, और वो राहु वाला दिमाग चाहिए। और मरकरी एंड राहु जब मिल जाते हैं, इससे डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बहुत भयानक वाला कॉम्बिनेशन है। तो खास उन बच्चों पर फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ना वो कच्ची मिट्टी होते हैं, है ना, कहीं भी ढल सकते हैं। तो खास ध्यान देना है मरकरी एंड राहु, और ये अगर कुंडली में भी साथ हैं तो भी ऐसे बच्चों पर खास फोकस देना है। बच्चा बहुत शार्प माइंड है, लेकिन माइंड वो गलत जगह लग गया ना तो वहां भी आइटम हम बना देगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर, क्योंकि अभी 8 बजे से मेरी दूसरी क्लास है और 8:15 से फिर आप लोग शायद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होंगे कुछ लोग, तो वो 8:15 से वो क्लास है, ठीक है। अब अभी मेरी वास्तु क्लास है 8 से। चलिए फिर, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं, जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। सभी जय श्री कृष्णा बोले। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर, सर, जय श्री कृष्ण जय सर, श्री जय श्री कृष्ण सर, कृष्ण जय श्री सर, कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण सर, जय श्री